हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिला क्या चोर? नहीं मिला। ढूंढो उसे, बच के निकलना नहीं चाहिए हमारी चोर से। चलो। इन दोनों का खून किया और बच्चा लेके भाग रहे थे ऐसे? हाँ, मैंने इनका खून नहीं किया। मुझे गन भी चलाने नहीं आती। मैं दो दिन से भूखा था साहब। सुबह एक घर से खाना चुराया था, लेकिन भीड़ मेरे पीछे पड़ गई तो भीड़ से बचने के लिए इस घर में छुप गया था साहब। इसकी तलाश ली? हाँ सर, मगर गन नहीं मिली। आप लोगों ने यहाँ गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं। बच्चा चुरा के क्यों भाग रहे थे? भीड़ से भागते हुए चुराया हुआ खाना फेंक दिया था। घर में इनको मरा पड़ा देखा और बच्चे इनके पास रो रहे थे। फिर मैंने सोचा बच्ची को बेचेंगे तो पैसा मिल जाएगा सब, बस कुछ नहीं। ये झूठ बोल रहा है, इसी ने खून किया है। इसे हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसे सबक सिखाएंगे। तुमने बच्चा चुराने की जो गलत हरकत की है ना, इसकी सजा तो यही है कि मैं तुम्हें इन लोगों को, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, किए की सजा इसे कानून देगा। आने के कुछ मिला? ऋषि नाम के एक बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट मिला है, तबीयत काफी खराब है। ऋषि? हाँ सर, 10 साल का है। भावेश,
सर, रोशन सर, ये 3 चाय के कप मिले, इसमें से 2 कप भावेश और ज्योति के हो सकते, और ये 3रा कप किसी मन्नू का हो सकता है, क्योंकि ये जो टिफिन है इस पे भावेश का नाम लिखा है, लेकिन इस टिफिन पे मन्नू का नाम लिखा है। मन्नू बच्चे को नहीं किया? ये ऋषि कौन है? भावेश और ज्योति का बड़ा बेटा है सर। कितने बच्चे हैं उनके? सर, भावेश और ज्योति के 2 बच्चे हैं। ऋषि 10 साल का बेटा जो हॉस्पिटल में भर्ती है, और ये बेटी रानी। सिर्फ 2 बच्चे? हाँ सर, क्यों? तो फिर ये बच्चा किसका है? सर, पता नहीं ये कौन है। सर, भावेश और ज्योति 6 महीने पहले यहाँ रहने आए थे, तब ऋषि और रानी ही उनके साथ थे। तो ये बच्चा कहाँ से आया? अच्छा, ये बच्चा चाल में से किसी का तो नहीं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ये क्या चक्कर है? कोई और इनके साथ रहता है इनके परिवार में? सर, ज्योति की एक बहन है मधु, वो आती थी यहाँ पर। आप लोग किसी मन्नू नाम के आदमी को जानते हैं? मन्नू? नहीं साहब, इस नाम का कोई भी आदमी इस चाल में नहीं रहता। अच्छा, ये भावेश काम कहाँ करता था? सर, दिहाड़ी का मजदूर था भावेश। रोज काम के लिए चौराहे पे खड़ा रहता था, जहाँ भी काम मिल जाता वहीं चला जाता। सर, कहीं है मन्नू भावेश के साथ तो काम नहीं करता था? सर, ये बच्चा कौन है ये कैसे पता चलेगा? दुष्यंत, एक काम करो, पता करो किसी बच्चे की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या, और पूर्वी भावेश और ज्योति के घर वालों को कांटेक्ट करो। डॉक्टर साहब, हम सीआईडी से। हेलो सर। हेलो, ऋषि यही है? हाँ सर, यही है। क्या हुआ सर? हम लोग इससे बात कर सकते हैं? नहीं सर, ये बात करने की हालत में नहीं है। ऐसा क्या हुआ इस बच्चे को? सर, इसे किडनी की प्रॉब्लम है। क्या बात है सर, आप लोग यहाँ कोई प्रॉब्लम? एक्चुअली ऋषि के माँ बाप अब नहीं रहे। क्या? Oh my God! इसलिए इसके इलाज के लिए आज कोई रकम जमा करने नहीं आए। क्या मतलब, इलाज के लिए रकम? हाँ सर, एक्चुअली ऋषि का आज एक ऑपरेशन होने वाला था, इसके घर वाले आज 10 लाख रुपए जमा करने वाले थे। 10 लाख? ये 10 लाख रुपए कैसे जमा कर पाते? सर देखिए, 1 महीना पहले भी ऋषि का ऑपरेशन हो चुका था, और तब भी उन्होंने 10 लाख रुपए जमा कर दिए थे। क्या? और सर, इस ऑपरेशन के लिए भी उन्होंने पैसों का इंतजाम कर दिया था, मैं उन्हीं का वेट कर रहा था। सर, आज मुझे इसे किसी भी हालत में ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वरना इसी जान को खतरा है सर। डॉक्टर साहब, आप ही ऑपरेशन शुरू करिए, पैसों का इंतजाम हम लोग करेंगे। ठीक है सर, आप कहते हैं तो हम ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ओके सर। घबरा मत ऋषि, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सर, एक बात समझ में नहीं आई कि भावेश के पास इतने सारे पैसे आए कहां से? वही तो। 20 लाख, अगर 20 लाख उनके पास थे तो बाकी के 10 लाख कहाँ गए? घर पे तो पैसे मिले नहीं। चुप हो जा बेटा, क्यों इतना रो रही है? किसने तेरे को परेशान किया? अरे बेटा, प्लीज रोना बंद हो जा, प्लीज। देख, अगर तू रोना बंद नहीं करेगी ना, तो फिर मैं रोना चालू हो जाऊंगा। अरे सर, सर इसका कुछ करो ना सर, प्लीज इसको चुप कराओ ना। अबे पंकज, ये दोनों तो रोने का कंपटीशन कर रहे हैं।
आपने इतने साल से शादी कर रखी है, आपको समझ में नहीं आता बीवी ने कुछ सिखाया नहीं आपको बच्चों को कैसे हैंडल करना है? पंकज, यही तो ट्रेजेडी है मेरे लाइफ की। मेरी बीवी तो हमेशा मुझे ही रुलाती रहती है, ये नहीं किया वो नहीं किया, तुम्हें चाय बनाने नहीं आती, कितना कम पैसा कमाते हो, हमेशा डांटती रहती है। चुप रहना तो एसीपी साहब ने सिखाया है, जैसे मैं कोशिश करता हूँ। एसीपी साहब आएंगे, दूध मलाई लाएंगे, मुन्ने को खिलाएंगे, मुन्ना खूब खाएगा, चुप हो जाएगा। चुप हो गया। सर, ये बहुत रो रही है सर, इसको भी चुप कराओ ना प्लीज। अबे नहीं, मेरी आवाज से ये वापस जाग जाएगा। तू एक काम कर, उस कोने में जा, एसीपी साहब का नाम लेके और कुछ भी गा ले। क्या गाँव, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। गाँव से 20-20 कोस दूर जब भी कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है, बेटा सो जा वरना एसीपी सर आ जाएंगे। तुम क्यों रो रहे हो बच्चा? अरे सर, परेशान कर दिया बच्चों ने सर, मैं रोता हूं ना तो चुप हो जाती है। ए भगवान, पंकज जो बच्चों को संभालेगा वो दुनिया में किसी को भी संभाल सकता है, समझे? फ्रेडी को देखो। सर, सर ऋषि के इलाज के लिए हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर सबने मदद करने के लिए बोला है सर, पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। 10 लाख तो यूं ही इकट्ठे हो जाएंगे फिर। मगर सर, इस बच्चे की गायब होने की कहीं कोई रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई है, कहीं ये बच्चा भावेश और ज्योति का ही तो नहीं हो? तो सकता पड़ोसियों को इसके बारे में कुछ पता ही ना। सालुंखे का, हाँ सालुंखे बता। अच्छा तो ठीक है, ये बच्चा भावेश ज्योति का नहीं है, सालुंखे कह रहा है कि डीएनए मैच नहीं हो रहा। तो फिर ये बच्चा है कौन सर, और भावेश के घर में कैसे पहुंचा सर? कहीं ऐसा तो नहीं अभिजीत कि भावेश ज्योति ने अपने बच्चे के ऑपरेशन के पैसे के लिए वो बच्चे को अगवा कर लिया? सर, पता करना पड़ेगा कि ये बच्चा कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, वहां से शायद इसके माँ बाप के बारे में कुछ पता कर सकते हैं। हाँ सर, बच्चे का नाम तो पता है रानी, बच्चे का नाम रखना पड़ेगा सर कुछ तो। अच्छा नाम आ रहा है दिमाग में। क्या सर? पार्थ। पार्थ तो बहुत अच्छा नाम है ना, पार्थ। फ्रेडी, तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है? अरे सर, आपने इसका नाम लिया और ये रो पड़ा। मैंने इसे कहा था कि आप दूध मलाई लाएंगे। दूध मलाई? मेरे लिए नहीं सर, इसके लिए। फ्रेडी सर, मैं ले आई। अरे पूर्वी, अच्छा किया तुमने, बच्चे को गोद में खिला खिला के मेरे पसीने छूट गए। ना ये मैं देखती हूँ। आपको पसीना नहीं आया? बच्चे ने सूसू किया है। अरे बेटा, गोद में खिलाने का अच्छा तोहफा दिया तूने। पूर्वी, बच्चे की नैपी बदल दो, और फ्रेडी तुम अपने कपड़े बदल लो। ले 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 ले, ये ले। चाहो तो ना भी सकते हो। डायपर चेंज करके आता हूँ। डायपर? ये तो मन्नू का डब्बा है, नाम भी लिखा है उसका। आपकी साइड पर छूट गया था क्या? नहीं, मन्नू ने जहाँ खून किया था वहाँ छूट गया। मन्नू ने खून किया था? नहीं नहीं साहब। भावेश और उसकी पत्नी का खून हो गया, और ये मन्नू उस वक्त उनके घर में था। हे भगवान, इसलिए भावेश आज काम पर नहीं आया? और मन्नू, वो आज आया था काम पर? नहीं साहब, वो तो और 2-3 दिन नहीं आएगा। क्यों, क्या हुआ उसे? हुआ तो कुछ भी नहीं, पर वो कल गांव चला गया। कब? कल दोपहर में मिला था मुझे।
नहीं यार, मैं जल्दी में हूँ, मुझे गांव जाना है, जरूरी काम है, मैं जरूरी मिलता हूँ। अरे सुन, सुन तो ले। हाँ अच्छा। अरे नहीं सुन, ए मन्नो बाद में पछताएगा। इस मन्नो का गांव कहाँ है? सोलापुर चरोली गांव। ये फ्रेडी अंकल और पंकज अंकल बहुत परेशान कर रहे हैं। सर रजिस्ट्रेशन ऑफिस से 5-6 महीने पहले का रिकॉर्ड मिल गया है। अप्रैल मई में करीब 7,946 बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें से 3,902 बच्चे तो लड़के हैं सर। तो और उनके परिवार वाले? सर सारे बच्चे परिवार वालों के साथ हैं, सिवाय एक बच्चे के। वो क्यों? सर एक पिछले महीने उस बच्चे के माता पिता कार एक्सीडेंट में मारे गए। ओ। उसकी दादी थी, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, और बच्चा भी गायब है। बच्चा भी गायब है, दादी भी गायब है। अभिजीत, कहीं ये हमारा ये बच्चा तो नहीं है? उस दादी का पोता? पता लगाना पड़ेगा इस दादी का, कहाँ है, किस हालत में है ये दादी। बेटा दिन भर काम काम काम, इतना काम किसके लिए करते हैं? सिर्फ 4 लोग तो है घर में, तुम, तुम्हारी बीबी, तुम्हारा बच्चा और मैं। और भगवान की दया से बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है बेटा, और पैसे से जो मिलता है सब कुछ है हमारे घर में। लेकिन लेकिन खुशी नहीं है, खुशी नहीं है बेटा। जा देख, देख आईने में अपना चेहरा, देख कितना मुरझा गया है तू। और एक माँ बच्चे का मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। अले अले, रो मत रे मेरा बच्चा। ये देख, देख तेरा बच्चा, मेरा एक लौता पोता, इस घर का एक लौता वारिस। लेकिन टाइम है तुम्हारे पास इसके लिए? है टाइम? एक दिन ये भी मुरझा जाएगा, और उस दिन तू बहुत पछताएगा, देख ले बहुत पछताएगा। लेकिन तुझे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है ना? ठीक है जा, तू मुंह हाथ धो ले और थोड़ा आराम कर ले। हाँ तब तक मैं तेरे बच्चे से खेलती हूँ। ओले ले 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 ले, लो लला रे, क्यों रो रहा है बच्चा? अरे दूधू चाहिए, दूधू, भूख लगा है, दूधू पिएगा। दादी दूधू पिलाती, दादी दूधू पिलाती। इतने बड़े दुख की बात है ना, इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। सच, अपना बेटा, बहू और अपना पोता भी एक ही झटके में सब खत्म हो। अरे दूध नहीं पिएगा, बाप की तरह भूखा रहेगा। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुझे सुलाती हूँ। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मेरा पोता करे तमाशा। चरोली गांव तो यही है, लोगों से पूछते हैं मनु का घर कौन सा है। भाई साहब ये रास्ता मनु के घर की तरफ जाता है। मनु साहब, वो रहा मनु। कोनी कितना भी भाग क्यों ना ले मनु, ये दुनिया उसके लिए छोटी पड़ी जाती है।
आइए सर। सर सावित्री देवी की दिमागी हालत बहुत खराब है, वो हमेशा खोई खोई रहती है, कभी तो खूब हंसती है और कभी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। डॉक्टर को दिखाया आपने? दिखाया सर, डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कोई बहुत बड़ा सपना पहुंचा है। आइए सर। आइए। सर ये रही सावित्री देवी। सावित्री जी मेरा लाल सो रहा है। मेरे से बात करना। वैसे आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, भली चंगी हूँ, लेकिन तू कौन हो भाई? मैं हम लोग आपके दोस्त हैं। मेरे दोस्त? तुम कब से मेरे दोस्त बने? हाँ अब अभी जब अभी आपको देखा और दोस्ती हो गई। सच्ची? और ये सब कौन है? जी हम सब भी आपके दोस्त हैं। बहुत अच्छा। सावित्री जी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, थोड़ा ये यहाँ तो ये सो रहा है ना, डिस्टर्ब होगा, इधर आ सकते हैं? साहब ना तो मैंने भावेश और उसकी बेबी को मारा है और ना ही मुझे उन 10 लाख रुपए के बारे में कुछ पता है। झूठ बोल रहा है तू मनु। तू भावेश के घर गया और वहां तूने उसका खून किया, उसके बाद तूने 10 लाख रुपए चुराए और इसी दौरान तेरा खाने का टिफिन वहां छूट गया। खून तूने किया मनु, पैसों की लालच में। नहीं साहब, मैं मानता हूँ कल रात मैं उसके घर गया था, वो मेरा जिगरी दोस्त था साहब, कल रात मैंने उसके साथ चाय भी पी थी, लेकिन गलती से मैं उसके घर अपना टिफिन भूल गया था साहब। रास्ते में मुझे याद आया, मैं तुरंत उसके घर टिफिन लेने गया। मैं जैसे उसके घर के बाहर पहुंचा, अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो अंदर एक आदमी भावेश और उसकी बीबी के सामने बंदूक तान कर खड़ा था और फिर उसने गोली चला दी और फिर डर के मारे मेरी चीख निकल गई साहब। साहब मुझे लगा उस आदमी ने मुझे देख लिया, कहीं वो मुझे भी ना मार दे, इसीलिए मैं शहर से भाग कर यहाँ आ गया साहब। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था? नहीं साहब, उसकी पीठ मेरी तरफ थी इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। इतना बड़ा हादसा हो गया मनु और तूने CID को बताना जरूरी नहीं समझा, जानता है ना ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। ब्यूरो ले चलो इसे। वो आपका पोता हमारे पास है। मेरा पोता तो यहाँ सो रहा है ना? झूठी खबर। सावित्री जी हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो खिलौना है, आपके असली पोते की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपके बेटे का बेटा, याद है आपको? सावित्री जी आपको अपना बेटा याद है ना? आपका बेटा, आपकी बहू, उनका बच्चा जो अब 6 महीने का हो गया है। याद आया? सावित्री याद करो। ये लोग उसकी बात कर रहे हैं जैसे तुम कलेजे का टुकड़ा कहकर याद किया करती हो। तुम्हारा लाडला, तुम्हारा पोता सावित्री, याद करो। हाँ सावित्री, कुछ याद आया? तुमने कहा था ना कि वो तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी है, तुम्हारे घर का उजाला है, याद करो, याद करो सावित्री। ओ माँ, वो हमारे पास है, हम बहुत जल्द आपसे मिलवाएंगे। आप समझ रही हैं ना सावित्री जी?
कोई फायदा नहीं है सर, वो आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। देखिए, हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि सावित्री जी के साथ ऐसा क्यों हुआ और इनके पोते का क्या हुआ। इसको तो शायद अगवा कर लिया गया था। इनसे 20 लाख रुपए भी मांगे गए थे, लेकिन इनके परिवार में तो कोई भी नहीं है। इनके बहू और बेटे की दोनों की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, घर भी बिक चुका है, ये खुद इस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकली है। बहुत बुरा हाल है इनका। थैंक यू वेरी मच। शक सही निकला, आवेश और ज्योति ने इनके पोते को किडनैप किया 20 लाख रुपए के लिए, ताकि उन पैसों से वो अपने बेटे ऋषि का इलाज करवा सके। हाँ सर, लेकिन सर ये 10 लाख रुपए कहाँ गए, कौन ले गया ये पैसे, और फिर भावेश और ज्योति का खून किसने किया? रानी बिटिया, अब अपने घर चली जाओगी, उनको छोड़कर जाओगी। की बहुत याद आएगी सर, और इसके बिना ये बात भी अकेला पड़ जाएगा। हाँ, बहुत कम दिनों में घुल मिल गई एकदम। कोई बात नहीं, हम लोग मिलने जाएंगे इसे, इसके फ्रेडी अंकल और पंकज अंकल को साथ में लेके। अरे साहब, किसने मारा मेरे बहन भाई ने, को मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। आप लोग उसका नाम बताइए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुप, शांत हो जाइए। खूनी को हम ढूंढ रहे हैं, आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाओ सर, मैंने तो सोचा था कि अब तक आप लोगों ने खूनी को ढूंढ लिया होगा, पर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? देखिए, इस रानी बच्ची को आपको सौंपने के लिए यहाँ पर हमने बुलाया। क्यों, मैं क्या करूंगी इसका? बच्चे के माँ बाप मर चुके हैं, आप इसकी मौसी है, ये भतीजी है आपकी, और आपके अलावा कौन सा आ रहा है इसका? अरे काहे की मौसी और काहे की भतीजी, मैं सिर्फ ऋषि की मौसी हूँ जो उनका सगा बेटा है और अब अस्पताल में अनाथ पड़ा है। और ये रानी, वो भावेश के बहन की बेटी है जो उसे जन्म देते ही मर गई थी, तो पाल रहे थे भावेश और ज्योति इसे। भावेश की बहन की बेटी? हाँ जी। तो फिर इस बच्ची के आप रिश्तेदार, आपसे बेहतर कौन संभाल सकता है इस बच्ची को? अरे सर, आजकल महंगाई के जमाने में अपने बच्चों को पालना पोसना बहुत मुश्किल है, इन्हें कैसे पालूं मैं? आप कहीं कोई बहाना तो नहीं बना रही ताकि बच्ची को ना ले जाना पड़े? देखिए साहब, झूठ बोले कौवा काटे, अगर आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है तो ग्रीन रोड अस्पताल में जाके पता कर लीजिए, 26 अप्रैल को ये पैदा हुई थी वहाँ पे। एक मिनट, 26 अप्रैल को उसी हॉस्पिटल में, ग्रीन रूट हॉस्पिटल में, पार्थ भी तो पैदा हुआ था ना 6 महीने पहले। हैं? ये कौन है? नहीं, कुछ नहीं, वो आपके मतलब की बात नहीं है। देखिए सर, आप लोग बार बार मुझे यहाँ बुला के तंग मत कीजिए, अब आप देख लीजिए इन बच्चों का क्या करना है, मैं चलती हूँ। कमाल है सर, कैसे कैसे लोग हैं सर ये, बिना स्वार्थ के कोई काम ही नहीं करता। यही सच्चाई है दया, यही सच्चाई है। सर, ये कैसे सही होंगे, ये दोनों बच्चे एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए? एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में दोनों बच्चे पैदा हुए, जरूर उस तारीख को उस हॉस्पिटल में कुछ न कुछ तो हुआ था, क्या हुआ होगा पता लगाना पड़ेगा। ग्रीन रूट हॉस्पिटल, इसी साल अप्रैल 26 तारीख को कांता और पूजा नाम की दो औरतों ने बच्चों को जन्म दिया था इस हॉस्पिटल में, हमें उनकी पूरी डिटेल चाहिए। क्या बात है सर? उनमें से एक बच्चा किडनैप हो गया। एक मिनट सर। हाँ सर, कांता ने एक लड़की को जन्म दिया था और पूजा को लड़का हुआ था। पूजा मिस्टर अनुज की वाइफ है और कांता के पति का नाम नहीं है, मिस्टर भावेश उनके गार्जियन हैं। ये दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर, एक की डिलीवरी जेंडर वार्ड में हुई थी और दूसरे की डिलक्स में,
ठीक है, थैंक यू। सर, मैं आपको उन बच्चों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जी कहिए। वो दोनों डिलीवरी डॉक्टर सुमित और नर्स मधु ने की थी। सर, जब मैं उनके कमरे में गई तो डॉक्टर सुमित और नर्स मधु आपस में कुछ बात कर रहे थे। मुझे देखते ही वो दोनों चुप हो गए। भावेश ज्योति और बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे वो मैंने सुना नहीं। जी, डॉक्टर सुमित और नर्स मधु कहाँ हैं? डॉक्टर सुमित तो विदेश चले गए और मधु ने आज छुट्टी ले रखी है। ये मधु कहाँ रहती है? दरवाजा क्यों खोल रही है? क्या हुआ? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बस बस बच्चों को अगवा करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। 6 महीने पहले मैंने सिर्फ उनकी अदला बदली की थी। जब वो दोनों पैदा हुए थे ग्रीन रोड हॉस्पिटल में, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। क्यों की थी अदला बदली? भावेश ने मुझे कहा था कि उसकी बहन के बेटे को एक अमीर औरत की बेटी से बदल देना और कहा था कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसके लिए अमीर लोगों ने मुझे पैसे भी दिलाए थे। एक मिनट, भावेश की बहन को तो बेटी हुई थी ना, वो रानी? नहीं सर, उसे बेटा हुआ था और उस अमीर औरत को बेटी हुई थी। उस अमीर परिवार को वारिस चाहिए था, उसके लिए भावेश की बहन के बेटे को वो अपना बेटा बनाकर ले गए। भावेश की बहन मर गई और भावेश अमीर घर की बेटी को अपने साथ ले गया? जी सर। अमीर घर के लोगों को चाहिए था वारिस, एक लड़का, और भावेश को अपने बेटे ऋषि का इलाज करने के लिए चाहिए था पैसा, 20 लाख रुपए। दोनों ने बच्चों की अदला बदली की और अपना स्वार्थ पूरा कर लिया। और ये धनीराम, इससे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? पता नहीं सर, मैं तो इसे जानती भी नहीं। क्यों धनीराम? भावेश और ज्योति को मार के उनके 10 लाख रुपए लूट लिए तुमने, अब इससे क्या चाहते हो? सर, मैं तो बस इसका मुंह बंद करना चाहता था ताकि ये बच्चों के हेरा फेरी के बारे में आप लोगों को कुछ न बता सके। क्यों? सर, मैं उस अमीर परिवार के घर में नौकरी करता था सर। उनकी मौत के बाद भावेश की बहन का बेटा मेरे पास आ गया सर। मैं उस बच्चे को लेकर भावेश के पास गया ताकि बच्चा उसे लौटा दूं और उसे 20 लाख रुपए ले लूं सर। लेकिन साहब, वो भावेश
बच्चा लेने को तैयार ही नहीं था साहब, और ना ही मुझे 20 लाख रुपए देना चाहता था। बल्कि वो दोनों पति पत्नी मुझे धमकी देने लगे, कहने लगे कि हम सारी सच्चाई पूरी दुनिया को बता देंगे। तो मजबूरी में मैंने साहब, तुमने उन दोनों का खून कर दिया, फिर बच्चे को वहां घर पे छोड़ा और घर पे रखे हुए 10 लाख रुपए उड़ा लिया। कहाँ है वो पैसे? अब मैंने तो बस नमक कहा करा किया साहब, मेरे पास पैसे नहीं है साहब, मेरे पास नहीं है साहब। धनीराम, अमीर जोड़ा तो मर गया, अब और किसका नमक खाया तुमने? किसे दिए पैसे? क्यों किया आपने ये? देखिए, हमें सब कुछ पता चल चुका है, चुप रहने से कोई फायदा नहीं। हम समझ सकते हैं कि इस उम्र में जिंदगी से जूझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन गुनाह तो गुनाह है ना। आपकी उम्र आराम से जिंदगी गुजारने की है, मगर आपने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। अफसोस गुनाह करने से पहले करना चाहिए था, अब चुप रहने से आपके गुनाह मिट नहीं सकते, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। देखिए, हमें जोर जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए, हम सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना मुजरिमों से निपटना हमें खूब आता है। सावित्री जी, ये तो मर चुकी है। यहाँ पे कुछ है? सावित्री जी के हाथ का लिखा लेटर। मैं मुजरिम हूं, ये सब मैंने किया है। एक्सीडेंट में मेरे बेटे और बहू की मौत के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो गया, बेटे के लेनदार मेरे पीछे पड़ गए, और सब कुछ नीलाम करने के बाद भी मैं उनके कर्जे नहीं चुका सकती थी, इसलिए मैंने धनी राम को भावेश के घर में भेजा कि वो अपनी बहन का बेटा वापस ले ले और जो 20 लाख रुपए मैंने दिए थे वो मुझे लौटा दे। लेकिन भावेश ने मना कर दिया और गुस्से में धनीराम ने उनका खून कर दिया। ये सब मैंने वारिस के चक्कर में किया था, अपनी पोती को दे के बेटा चाहती थी मैं, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बेटी हो या बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भगवान की देन है। मैं ऐसी शर्मनाक जिंदगी नहीं जी सकती, इसलिए मैं खुदकुशी कर रही हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना सावित्री। बहुत बुरा हुआ इनके साथ सर। दुनिया में बहुत लोगों के साथ बुरा होता है विक्रम, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोग गुनाह के रास्ते पर चल निकले। और आत्महत्या, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। प्लीज थोड़ी देर यहीं रुकिएगा। हेलो, बोलो। हेलो, ये लो। हेलो 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 दया, वो एनजीओ वाले आ गए हैं बच्ची को। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर, वो मैं जानता हूँ तुम बच्ची को खुद छोड़ने जाना चाहते हो ना, तो हम भी चलेंगे छोड़ने के लिए उसको। नहीं विजीत, वो बात नहीं है। सर मुझे दया, जरा सोचो।
बच्ची को हम भी रखना चाहते हैं, रोज हर रोज उसके साथ खेलना चाहते हैं, देखेंगे हम उसको, लेकिन हम उसकी अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर पाएंगे। ये बच्ची एनजीओ में जाएगी तो बाकी बच्चों के साथ बड़ी होगी, सीखेगी, है ना? इसके फ्यूचर का भी हमें सोचना चाहिए। सर आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। अब आप इन्हें हमें सौंप दीजिए। जी दया। पुष्पा, संगीता, बच्चों को ले आओ। ऋषि की भी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, उसकी हर सुविधा का हम ख्याल रखेंगे। बताए मुझे, लेकिन देखिए ऋषि के इलाज के सारा खर्चा सीआईडी उठाएगी। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।